हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्म्स एंड कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 8 मार्क्स का आता ही आता है क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। ओके, तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी बच्चा आप टर्म्स एंड कंसेप्ट लिखते हो तो मिनिमम आप 4 पॉइंट्स लिख के आया करो ताकि आपको 2 out of 2 मिल जाए। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 में मोशन स्टडी के बारे में बात करते हैं। मोशन क्या है सबको पता होगा। देखिए बच्चा, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। अरे मूवमेंट किसका करवाना है? एम्प्लॉयज़ का, और साथ साथ में मशीन का मूवमेंट कैसा है। मशीन स्लो चल रही है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ स्लो काम कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इनका मूवमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे यही स्टडी की गई है। बोला था स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स क्या, मूवमेंट। किसका मूवमेंट करवाना है? एम्प्लॉय का एज वेल एज मशीन का। कभी करवाना है? व्हाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क, जब उन्हें काम दिया जाता है उस टाइम पे आपको क्या करना है, उनका मूवमेंट कैसा वो चेक करना होता है। इसीलिए ये मोशन स्टडी लाई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आएगा? इट इज हेल्पफुल। दिखा ये क्या करती है, ये स्टडी एलिमिनेट कर देती है अननेसेसरी मोशन। जो अननेसेसरी मोशन है, जो एम्प्लॉय धीरे धीरे काम कर रहे हैं फिर, या फिर जो मशीन धीरे धीरे काम कर रही है, अगर आप उसके ऊपर स्टडी करते हो तो भैया इस स्टडी से आप एलिमिनेट कर सकते हो अननेसेसरी मोशन को, एंड आप फाइंड आउट कर सकते हो एक बेस्ट मेथड जिससे आप अपने जॉब को आराम से कर सकते हो। समझ में आया क्या? 2 पॉइंट समझ में आया क्या बच्चा? ओके, याद रहेगा। आगे बोल रहा है, इट ऑल्सो हेल्प्स, अगर आपने अपने मोशन को, अननेसेसरी मोशन को एलिमिनेट कर दिया है और एक अच्छा मेथड अप्लाई कर दिया है उस जॉब को करने के लिए, तो बताइए इससे आपकी इंप्रूव होगी एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का क्या होगा, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर उसके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो बताइए आपके ऑर्गेनाइजेशन में हायर प्रोडक्शन होगा ना, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। सो गाइज, इसी के साथ 4 पॉइंट हमने खत्म कर दिए मोशन स्टडी के ऊपर। सो गाइज, एक बार आपको देखना है, प्लीज़ आपको देखना है एक बार। ओके, याद रखने के लिए क्या है, मूवमेंट होना चाहिए। किसका? एम्प्लॉय का, मशीन का। दूसरे पॉइंट में एलिमिनेट करते हो आप अननेसेसरी मोशन एंड फाइंड आउट करते हो बेस्ट मेथड उस जॉब को करने के लिए। अगर आपने ये कर लिया इससे इंप्रूव होगी एफिशिएंसी एम्प्लॉय की। अगर इंप्रूव होगी एम्प्लॉय की एफिशिएंसी तो प्रोडक्शन हाइयर होगा, और प्रोडक्शन हाइयर होगा प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ जाएगी आपके ऑर्गेनाइज। सो गाइज, इसी के साथ फर्स्ट वाला कंप्लीट होगा। चलिए तो देखिए गाइज, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। क्या होता है डिफरेंशियल पीस रेट? देखिए पीस का मतलब होता है यहाँ पे बच्चा, एक तरह से हम बोल सकते हैं यूनिट। तो यहाँ पे जो भी पेमेंट किया जाएगा आपको यूनिट के हिसाब से किया जाएगा, टाइम के हिसाब से पेमेंट नहीं किया जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया? सर कैसे, मतलब समझाओ ना प्लीज़। तो देखिए गाइज, कंपनी क्या करती है, बोलती है कि एक होता है ऑर्गेनाइजर जहाँ पे 9 AM to 6 PM तक आपको जाना है और काम करना है। यहाँ पे यूनिट नहीं देखती, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ पे यूनिट नहीं देखा जाएगा, आपने काम किया या नहीं किया। आपने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया आपको पगार मिल जाएगा। बट कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो 9 AM को बुलाती तो है और आपको 6 PM को आपको वहाँ से लीव करना होता है, बट इस पीरियड में वो बोलती है कि हम ये टाइम के हिसाब से पेमेंट नहीं देंगे। आप जितना यूनिट बनाओगे ना, सपोज आपने 100 यूनिट बनाया तो आपको 100 यूनिट के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। आपने 90 यूनिट बनाया तो आपको 90 यूनिट के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। आपने 110 यूनिट बनाया इसी पीरियड में तो आपको 110 यूनिट के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। कंपनी पहले से एक स्टैंडर्ड बना के चलती है, ध्यान से सुना, कंपनी पहले से एक स्टैंडर्ड बना के चलती है कि पर डे मतलब एक दिन में सपोज आपको बनाना है 100 यूनिट्स, और कंपनी ने रेट डिसाइड किया है कि ओके 1 यूनिट का उन्होंने रेट डिसाइड किया है कि 10 रुपया दिया जाएगा 1 यूनिट का। ये याद रहेगा, अगर आपने 1 यूनिट बनाया तो आपको 10 रुपया दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर आप 100 यूनिट बनाते हो तो आपको ओके आराम से। तो देखिए मैं 3 केस ले रहा हूँ। एक पर्सन है ए, जिसने बच्चा 1 डे में मतलब 1 दिन में 100 यूनिट बनाता है, तो बताइए 1 यूनिट का 10 रुपया है तो 100 यूनिट का कितना मिल जाएगा उसको? सर इसको मिल जाएगा 1000 रुपया, इसकी पगार हो गई 1000 रुपया। एक बी करके इंसान है जिसने 1 दिन में 110 यूनिट बनाए, कितना 110 यूनिट। अब कंपनी क्या करती है पता है क्या, कंपनी एक ऐसा डिसाइड करती है कि देखिए ये जो 110 है ना उसके 2 पार्ट करेगी, एक 100 जो स्टैंडर्ड वाला पार्ट है वो अलग कर देगी, और एक जो उसने अबो बनाया है ना 10 उसका अलग पार्ट करेगी, दोनों का अलग अलग पगार देगी। ध्यान से सुनना ओके, ये जो 100 है स्टैंडर्ड तक कंपनी बोली है कि अगर 100 यूनिट तक बनाओगे तो 10 रुपये का रेट दिया जाएगा, यहाँ पे तो आपको 10 रुपये का ही रेट मिलेगा। समझ में आया? तो कितना हो गया यहाँ पे, ये 1000। अब आपने जो 10 एक्स्ट्रा बनाया है ना स्टैंडर्ड के ऊपर, उसके ऊपर कंपनी बोलती है अगर आप अबो स्टैंडर्ड जाते हो ना तो आपको 1 यूनिट का बच्चा लोग सपोज 15 रुपया दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा 15। बट अबो स्टैंडर्ड कौन सा, ये 10 यूनिट के ऊपर, पूरे के ऊपर नहीं मिलेगा, ये याद रखना ओके। तो इसके ऊपर 15 रुपये के हिसाब से आपको 1 यूनिट का 15 रुपये के हिसाब से मिलेगा, ये 150 मिलेगा। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ये अबो स्टैंडर्ड था। अब एक केस और लेते हैं नीचे की तरफ, सी वाला केस जो मैं ऊपर की तरफ ले रहा हूँ। सी करके एक बंदा है जिसने 1 दिन में सपोज उसने
90 यूनिट्स बनाया, कितना बनाया 90 यूनिट्स। अब कंपनी क्या बोलती है, अगर आप बिलो स्टैंडर्ड रहोगे ना तो आपको एक यूनिट के ऊपर हम आपकी पगार काटेंगे भैया। आपको बोला गया था क्या, एक यूनिट का हम 10 रुपए देंगे, मगर आप तो 100 भी नहीं पहुंच पा रहे, 100 से कम, मतलब आप काम चोर हो, तो भैया एक यूनिट का हम आपको सिर्फ 8 रुपए ही देंगे। समझ में आया क्या? तो बताइए ये बंदा जो 90 यूनिट बनाया इसको कितने के हिसाब से मिलेगा, 8 रुपए के हिसाब से, तो कितना मिलेगा 720 रुपीज, इसको 720 रुपीज मिलेगा। तो ये बिलो स्टैंडर्ड है तो इसको कम पगार दिया जा रहा है, ये अबो स्टैंडर्ड है इसको ज्यादा पगार दिया जा रहा है, दिख रहा है, ये यहाँ पे 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको। तो अबो स्टैंडर्ड रहेगा और ये स्टैंडर्ड है तो सेम पगार, अगर अबो स्टैंडर्ड है तो आपको ज्यादा पगार दिया जाएगा और बिलो स्टैंडर्ड है तो आपको लोअर पगार दिया जाएगा। लो, ये बात सबको समझ में आ गया, तो चलिए फटाफट ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है ये। ओके, सिस्टम क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, देखा जितना यूनिट बनाओगे उसी के हिसाब से पगार दिया जाएगा, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से तो पगार दिया नहीं जाएगा, बात समझ में आ गया, टाइम के हिसाब से पगार नहीं देंगे। इन दिस सिस्टम टू डिफरेंट वेज रेट्स आर यूज, दो डिफरेंट वेज रेट यहाँ पे यूज किया जाता है, एक होता है हाई वेज रेट जो अभी हमने बात किया 110 वाला यूनिट जो बनाया था उसको मिला था, और एक होता है लो वेज रेट जो बंदा 90 यूनिट बनाया था उसको। तो हायर रेट्स आर ऑफर्ड, किसको मिला जाएगा, हायर रेट्स ऑफर, ओके, टू दोज एम्प्लॉयज हु परफॉर्म द वर्क मोर देन स्टैंडर्ड क्वालिटी, देखा जो बंदा स्टैंडर्ड क्वालिटी से ज्यादा काम करके देगा, जैसे कि 110 यूनिट जो बनाया था, मतलब इसने 100 यूनिट से ज्यादा बनाया था, तो इसको ज्यादा पगार दिया जाएगा। एंड लोअर रेट्स आर ऑफर्ड टू दोज एम्प्लॉयज हु परफॉर्म द वर्क बिलो द स्टैंडर्ड, देखा जिसने 90 यूनिट बनाया था, जिसको बोला गया था 100 यूनिट बनाने के लिए, ये बिलो स्टैंडर्ड है तो इसको कम पगार दिया जाएगा। समझ में आया, 8 रुपए का रेट कर दिया गया, तो बात समझ में आ गया क्या, ये दोनों, ये कंप्लीट, तीन कंप्लीट हो गए, ये। चलिए देखिए बच्चा लोग, अभी हम लोग बात करेंगे फटीक स्टडी के बारे में। फटीक स्टडी जो जुलाई 2023 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है 2 नंबर के लिए, कुछ नहीं है। फटीक का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ, फटीक मतलब क्या होता है, देखिए किसी एम्प्लॉय से आप लगातार काम मत करवाइए, जैसे कि सुबह 9 बजे वो आता है तो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक लगातार कंटिन्यू काम मत करवाइए। अगर आप कंटिन्यू काम करवाओगे तो उसके हेल्थ के ऊपर और उसकी एफिशिएंसी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जिसके वजह से वो बराबर काम नहीं करेगा। ओके, तो यही है फटीक स्टडी, जो देखिए क्या बोला, फटीक लीड्स टू एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज, देखा सबसे पहली पॉइंट तो आपको यही लिखना है, फटीक से क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट आता है हेल्थ पे एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज पे, इतना पॉइंट तो सबको लिख के आना है। अभी देखिए फटीक जो है जनरली इज कॉज ड्यू टू, किसके कारण होता है, जैसे कि आपने लंबे समय तक काम करवा रहा है विदाउट सफिशियंट ब्रेक, किसी को ब्रेक नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट आपने टारगेट प्रेशर कर दिया बेचारों को, बोला है कि भाई ये काम होगा तो ही जा सकता है, तो बताइए वो बेचारा काम करके थक जाएगा, ओके, प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा उसको। नेक्स्ट हैवी वर्किंग टूल्स जो कि इंडिया में देखा गया, ओके, जितना किलो के इंसान नहीं है उनसे ज़्यादा वजन वो बेचारे उठाते हैं, ओके। नेक्स्ट पुअर वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे वो बेचारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ का वर्किंग कंडीशन बराबर नहीं है, तो ये सारे रीज़न है जिसके वजह से फटीग होता है, बात समझ में आ गया। तो इसी को बचाना है, बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या करना है, देखिए इधर बोला गया है द स्टडी ऑफ फटीग, आपको क्या करना पड़ेगा, फटीग के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा और आपको स्टेप उठाना पड़ेगा जिससे आप रिड्यूस कर सको फटीग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको मेंटेन करके रखना है ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज, दिखा। सो गाइस, इसी के साथ ये 3 पॉइंट आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम स्टडी, टाइम स्टडी मतलब क्या, देखिए किसी इंसान को आप कोई काम देते हो ना बच्चा लोग, तो उनको काम देने से पहले उनको डिसाइड कर लो कि ये काम इतने टाइम में होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप वो टाइम नहीं दोगे तो इंसान ना बराबर काम नहीं करेगा फिर, समझ में आया। तो आपको कोई ना कोई मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या वो काम को आप देख सको, समझ में आया। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है, इट इज़ द टेक्निक, ये कैसी एक टेक्निक है, जहाँ पे ऑब्जर्व करते हो आप, रिकॉर्ड करते हो क्या, टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉय, कितना टाइम उस एम्प्लॉय ने किसी जॉब के ऊपर लगाया है, समझ में आया, कंप्लीट अ गिवन टास्क, समझ में आया, उसको ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना। जैसे कि सपोज मैंने कोई काम दिया है एक एम्प्लॉय को, मैंने देख सकी ए है और यहाँ पे बी है, मैंने ए को भी बोला था ये 9 AM से स्टार्ट करना था इसको और ये 6 PM तक ख़त्म करना था, राइट। तो ए ने 9 AM को तो स्टार्ट किया बट ये 4 PM तक ख़त्म कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं ये कंपनी के 2 आवर्स बचा लिए। और मैंने बी को बोला था 9 AM को स्टार्ट करना है और बी को बोला था 6 PM तक ख़त्म करना है, बट बी ने जो 9 AM को तो स्टार्ट किया मगर ये 8 PM को ख़त्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, 2 आवर्स कंपनी का नुकसान करवा रहा है। तो इसीलिए हमें कोई ना कोई ऐसी टेक्निक लानी पड़ी जिसके वजह से हम ऑब्जर्व कर सकें कि ये बी जो है क्या प्रॉब्लम कर रहा है, जिससे बी का काम नहीं हो पा रहा और ए का काम हो जा रहा है, जो कि ए 2 आवर्स बचा भी ले रहा है कंपनी का।
तो इसीलिए ये टेक्निक लाई गई है जहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कितना टाइम एक एम्प्लॉई ने उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए किया। बात समझ में आया सबको? तो पहला पॉइंट सबको समझ में आया कि बच्चा लोग क्या लिखा है। आगे के पॉइंट क्या बोल रहे हैं, दिस स्टडी इज बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड ऑफ द एम्प्लॉयज। बहुत जरूरी है, एवरेज स्पीड ऑफ एम्प्लॉय के ऊपर ये पूरी स्टडी बेस्ड है। जैसे कि देखिए, हमने देखा कि 9 AM को आपको आना है और 6 PM को आपको जाना है, और ये काम जो है ओके आपको 100 यूनिट तो बनाना है ओके। क्यों? इससे पहले भी बहुत लोगों ने 100 यूनिट 9 बजे से लेके 6 बजे के बीच में बनाए, तो ये क्या एवरेज स्पीड है, मतलब 100 यूनिट बन जाता है ओके। तो ये पूरा का पूरा जो ये जो है स्टडी, ये पूरा 100 यूनिट के ऊपर ही बेस्ड रहेगी ओके। एवरेज स्पीड ऑफ एम्प्लॉय मतलब कि हर एक इंसान, जितने भी कंपनी में काम करने वाले रहेंगे ए बी सी डी ऐसे एम्प्लॉय, सबको एक एवरेज स्पीड दे दिया गया कि भैया आपको 100 यूनिट बनाना है ये इतने टाइम के अंदर, ये आपकी एवरेज स्पीड है। अगर आप इससे कम टाइम में बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आया, बट इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस 100 यूनिट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे वही बोला है। आगे बोला है, द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज साइंटिफिकली डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग अ जॉब अंडर गिवन कंडीशन। दिखा यहाँ पे बोल रहा है कि जब ये पर्पस क्या है, इस टाइम स्टडी का पर्पस क्या है, साइंटिफिकली डिटरमाइन किया गया है। देखिए ये जो 100 यूनिट मैंने बोला, इससे पहले भी लोग बनाए हुए हैं, तभी तो मैंने इसको स्टैंडर्ड बताया है कि 100 यूनिट बन जाना चाहिए। अब मुझे बताइए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या 100 मार्क्स आपको OCM में आना चाहिए? बताइए इससे पहले कि कोई लेके आया है क्या आज तक? सर आंसर इज नो। तो मैं 100 मार्क्स कैसे सेट कर सकता हूँ कि 100 मार्क्स आएगा? बच्चा देखिए कहीं ना कहीं आपको 99, 96, 97 में बोल सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले किसी ने लाया हुआ है, तब मैं बोल सकता हूँ कि भैया आपका स्टैंडर्ड है क्या, आपको 96 लाना है, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे भी वही मैंने क्या बोला कि 9 AM से लेके 6 PM तक आपको 100 यूनिट बनाना है, मगर ये 100 यूनिट आपसे पहले कभी ना कभी किसी ने बनाया, तभी तो मैंने ये टारगेट रखा है कि 100 यूनिट। अगर सपोज मैं बोल देता 9 से 6 के बीच में आपको 500 यूनिट बनाना है, बताइए ये पॉसिबल है क्या? कोई भी नहीं बना पाएगा, कोई भी नहीं बना पाएगा। क्यों? 9 से 6 के बीच में 100 यूनिट तक ही बन पा रहा है, समझ में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे भी तो हम 120-130 तक पहुँचेंगे, 500 तक नहीं। तो ये स्टैंडर्ड जो आप सेट कर रहे हो ना, ये गलत है, 500 नहीं सेट कर सकते। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि ये जो स्टडी हमने किया, इसका पर्पस यही है कि हमने साइंटिफिकली डिटरमाइन किया स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या मतलब, देखिए 9 से 6 के बीच में आपको 100 यूनिट बनाना, ये स्टैंडर्ड टाइम था जिसके अंदर 100 यूनिट बन जाना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड टाइम हमने सेट किया ओके। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं, इट हेल्प्स टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। इससे हम मेजर कर सकते हैं क्या वर्कर की एफिशिएंसी, कौन से वर्कर 9 से 6 के बीच में 100 यूनिट तक बना रहे, जो इससे कम बना रहे भैया उनको हम पनिश करेंगे। बात समझ में आ गया? तो टाइम स्टडी का मतलब वही है, ये बात सबको समझा। चलिए लास्ट एंड फाइनल वाला देखिए क्या बोल रहा है, मेंटल रिवैल्यूएशन जो सितंबर 2021 में आया, क्या होता पता है क्या? कंपनी में एम्प्लॉई भी है, कंपनी के अंदर मैनेजर भी है। बात समझ में आ गया? एम्प्लॉई एंड मैनेजर का ना बच्चा एक दूसरे से जमता नहीं है, समझ में आया? एम्प्लॉई बोलता है ऐसे करेंगे, मैनेजर बोलता है ऐसे करो, एम्प्लॉई बोलता है हम ऐसे करेंगे, ये बोलता है ऐसे करो, तो भैया इन दोनों का जमता नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का जमाना बहुत जरूरी है, इन दोनों का एक दूसरे के बीच में जमना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बीच में जमेंगे नहीं तो भैया बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा। ये बात सबको समझ में आया क्या? तो इनका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, वर्कर का भी मतलब एम्प्लॉई का भी और मैनेजर का भी। तो इसके लिए ये आया है मेंटल रिवैल्यूएशन, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे यही बोला है, दिस टेक्निक मेंटल रिवैल्यूएशन का एक टेक्निक है जो क्या करता है, इनके एटीट्यूड को और इनके एटीट्यूड को चेंज करवाता है, समझ में आया? तो क्या बोल रहा है देखिए, द टेक्निक ऑफ मेंटल रिवैल्यूएशन इन्वॉल्व अ चेंज इन, देखा चेंज करवा रहा है किसका, इन द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर एंड द मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों का एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, एटीट्यूड चेंज करवाना है, समझ में। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा हम करवाते हैं। मेंटल रिवैल्यूएशन मतलब क्या, इन दोनों के बीच में एम्प्लॉई एंड मैनेजर के बीच में आपने क्या ला दिया, मेंटल रिवैल्यूएशन लेके आ गए, दोनों का एटीट्यूड चेंज हो चुका है, तो ये लोग फुल कॉपरेशन के साथ काम करेंगे, कौन वर्कर, जिससे वो अचीव कर सकेंगे क्या गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझ में। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना, राइट, और प्रॉफिट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को, बस खत्म। 3 पॉइंट इनफ है। सो गाइस इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 के सारे हमने टर्म्स एंड कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के टर्म्स एंड कंसेप्ट। देखिए बच्चा, ये जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा इसके लिए आप डिस्टिंग्विश बिटवीन जो भी आपने पढ़ा रहेगा तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं, राइट। तो मैं खाली यहाँ पे जो मैनेजमेंट वाला है ये पोर्शन मैं आपको करवाऊंगा, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ओके। क्या है,
देखिए मैनेजमेंट मतलब क्या, एक सिंपल सा देखिए मैनेजमेंट का मतलब एक बोला जाए किसी से काम करवा के लेना, मतलब क्या अपना नॉलेज अपनी स्किल को यूज़ करके किसी और से काम करवा के लेना ही मैनेजमेंट कहलाता है, सबसे सिंपल। तो देखिए क्या बोला, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट, मैनेजमेंट क्या एक कला है ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द सबॉर्डिनेट या अदर पीपल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। देखा मैंने वही बताया, मैनेजमेंट क्या एक ऐसी कला है जो क्या करता है, जो मैनेजर होता है अपनी कला को यूज़ करके कोई काम दूसरे किसी से करवा के लेता है, समझ में आया, ताकि उससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके, समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट ये है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। ओके अभी देखिए इतना पॉइंट अगर आप लिखते हो तो गाइस कहीं ना कहीं एक मार्क्स तो मिलता ही है, बट मिनिमम आपको मैंने बोला है 4 पॉइंट्स लिखने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखा हुआ है। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल ने जो डेफिनेशन दिया था मैनेजमेंट का, क्या बोला है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट करना, टू प्लान करना, टू ऑर्गेनाइज करना, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। सिंपल है, तो ये डेफिनेशन भी आप लोगों को याद हो जाएगी बच्चा लोग। तो चलिए देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोला है, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज एसेंशियल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है जो इम्पॉर्टेंट है जीवन की हर एक क्षेत्र में, समझ में आया क्या, एवरी वॉक ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन के हर एक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है क्या, मैनेजमेंट, समझ में आया। और मैनेजमेंट कैसा है बच्चा लोग, यूनिवर्सल इन नेचर है। देखा कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी जाओगे हर जगह पर मैनेजमेंट यूज़ होता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी पार्ट ऑफ बिजनेस हो, बैंक हो, होटल हो, हर जगह पे मैनेजमेंट करना पड़ता है, स्कूल कॉलेजेस सब जगह पे मैनेजमेंट करना पड़ता है, बात समझ में आ गई। तो टोटल 4 पॉइंट है, याद हो जाने चाहिए क्या होता है मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स, आप सिंपल सा लिख सकते हो। नेक्स्ट बोला है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल ने जो डेफिनेशन दिया उसमें क्या बोला, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट करना, टू प्लान करना, टू ऑर्गेनाइज करना, टू कमांड करना, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। मैनेजमेंट क्या है, एज एन एक्टिविटी है जो विच इज एसेंशियल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, और मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर। सो गाइस इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 के भी हमने टर्म्स एंड कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए। ये सारे टर्म्स एंड कंसेप्ट आप प्लीज़ और प्लीज़ मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चा लोग, डिस्टिंग बिटवीन आप पढ़ोगे वहाँ से कंप्लीट कर लेना, चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। चलिए सो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, उसके सारे के सारे हम लोग टर्म्स एंड कंसेप्ट देखेंगे। सबसे फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का अगर मैं बात बताऊँ तो एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेसमैन लोग होते हैं ना उन्हीं की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर उन्हीं को बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर आर इनोवेटर, ये इतना तो लिख के आना है हर बच्चों को, एंटरप्रेन्योर कौन है, इनोवेटर होते हैं जो कुछ ना कुछ नया करने की सोचते, कुछ ना कुछ नया आइडियाज लाके अपने बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ इनोवेट करते हैं, राइट। दे आर ओनर, उन्हीं को ओनर बोला जाता है, उन्हीं को प्रोड्यूसर बोला जाता है, उन्हीं को मार्केट क्रिएटर बोला जाता है, उन्हीं को डिसीजन टेकर बोला जाता है, एंड उन्हीं को हम लोग रिस्क टेकर बोलते हैं। क्या 2 पॉइंट याद हो जाएगा क्या एंटरप्रेन्योर के ऊपर, ओके। एंटरप्रेन्योर आर रेफर्ड एज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर जैसे लैंड, लेबर एंड कैपिटल, उसके बाद जो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो होता है एंटरप्रेन्योर होता है। बात समझ में आया सबको, ये बात सबको समझा। लास्ट वाला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। सिंपल, एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो अपने बिजनेस को स्टार्ट तो करता है और रिस्क लेने की क्षमता उसके अंदर होती है और उसी रिस्क से वो क्या करता है, पैसे बनाता है। बात समझ में आ गया। तो 4 पॉइंट थे छोटे छोटे, ये आपको समझना है। चलिए तो बच्चा अभी हम लोग बात करेंगे एग्रो टूरिज्म। देखिए एग्रो टूरिज्म क्या होता है, अभी कैसा होता पता है क्या, बहुत सारे लोग ना बच्चा रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आ गए। अब रूरल एरियाज़ में खेती कैसे की जाती है, फ्रूट कैसे पकते हैं, ये किसी को, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो अभी क्या होता है कि उन्होंने जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उन्होंने सोचा कि भाई एग्रो टूरिज़्म को भी बढ़ावा देना चाहिए, अर्बन वाले लोग कहाँ जाएँ, गाँवों में जाएँ, विजिट करें और वहाँ पे फार्मिंग देखें कि कैसे चीज़ें होती है, ताकि क्या होगा, गाँव का भी डेवलपमेंट होगा। तो देखिए एग्रो टूरिज्म वही है, क्या बोल रहा है, एग्रो टूरिज्म इन्वॉल्व एग्रीकल्चर बेसिस ऑपरेशन और एक्टिविटी दैट ब्रिंग विजिटर को कहाँ पे लेके जाना है, फार्म में, समझ में आता कि फार्म में जाके वो बेचारे लोग देखें कि चीज़ें कैसे होती है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होती है वो सब देखने के लिए। अब एग्रो टूरिज्म एक्टिविटी इंक्लूड, जैसे कि इसमें क्या किया जाता है, पिकिंग फ्रूट्स, टेंडिंग बीज, मिल्किंग काउस एंड अदर एजुकेशनल परस्यूट्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। बात समझ में, अब ये एग्रो टूरिज्म वहाँ पे फ्री में नहीं होगा, जो फार्म होगा वो फार्म का कुछ ना कुछ आप लोगों को फीस पे करना पड़ेगा एंड उसके बाद वो फार्म में जाके आप देख सकते हो, फ्रूट्स हो गया, फूल हो गए, फ्लावर हो गए, सारी चीज़ें एक्स वाई जेड सब, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करता है डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया, एग्रो टूरिज्म का आइडिया है ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट, किसको लेके जाना है, आप उनको ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट को कहाँ पे लेके जाना है, रूरल एरियाज में, फॉर लेजियर ट्रैवल, ताकि वो सब क्या करे, से ट्रैवल करके वहाँ जाए और कुछ खर्चा करे, स्पेंडिंग करे, ताकि इससे क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट भी होगा। 2 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा लोग, हम लोग देखिए ध्यान से, स्टार्टअप, स्टार्टअप क्या है,
देखिए मैं अगर बताऊँ स्टार्टअप क्या होता है, पता है क्या, ये जो स्टार्टअप है जो कि बोलते हैं ना कि जो लो बैकग्राउंड से लोग रहते हैं उनको माइक्रो फाइनेंस की लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये स्टार्टअप लाया गया था। बात समझ में आया? स्टार्टअप इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। समझ में आया? आगे बोला द कैंपेन वॉज फर्स्ट अनाउंस बाय द प्रधानमंत्री, ओके, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द 15 अगस्त 2015 को एड्रेस किया था इन्होंने रेड फोर्ट पे, मतलब लाल किले पे, ओके, अनाउंस किया था स्टार्टअप। अभी स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा जान लेते बच्चा लोग क्या है, देख लीजिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए बुक से, देखिए क्या था स्टार्टअप, देखा, आई मेड प्रोग्राम टू हेल्प टू इंडियन एंटरप्रेनर टू बिल्ड द 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स। द मुद्रा बैंक स्कीम, प्रधानमंत्री योजना, ओके, मुद्रा योजना इज एन इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट विच एम्स, इनका एम क्या था, था कि हम प्रोवाइड करें माइक्रो फाइनेंस देना था स्टार्टअप के थ्रू, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू ये क्या कर देते, माइक्रो फाइनेंस लो इंटरेस्ट रेट लोन टू द एंटरप्रेनर फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मतलब क्या, माइक्रो फाइनेंस देना है आप उनको छोटा मोटा, ओके, पैसा अगर जिन इंसानों को लगता है कि मुझे कुछ बिजनेस ओपन करना है तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू ले सकते हैं, वी स्टार्टअप इंडिया के थ्रू, ओके, लो इंटरेस्ट रेट उनको पे करना था लोन के ऊपर, ओके, एंड लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले पीपल के लिए था ये। बात समझ में आ गया क्या ये? ओके, तो गाइस यही था जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये लाया था ताकि हम लोग क्या कर सके, जो वो जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जो सोशियो मतलब बोलते हैं ना लो बैकग्राउंड, ओके, सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ताकि उनको भी एंटरप्रेनर बनना है तो लोग भी क्या कर सकते हैं, ये स्टार्टअप के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? द एक्शन प्लान ऑफ दिस इनिशिएटिव, ये जो प्लान था स्टार्टअप इसका, जो दिस इनिशिएटिव फोकस थ्री एरियाज़ के ऊपर ये फोकस करता है, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव, इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इनक्यूबेशन। ऑलरेडी बच्चा मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ने ये पूरा लेक्चर में पढ़ा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग देखिए बच्चा लोग, ओके, अभी जब भी आप कोई बिजनेस एंटरप्रेनर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, मतलब कि बहुत सारे बोलते ना कि ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट लो, यहाँ से जाके ये करो वो करो, बोलते ना, तो बहुत सारी चीज़ें उनको रजिस्टर करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, तो इसलिए ये जो स्टार्टअप आया था इसके थ्रू क्या हो गया, कंप्लायंस प्रोसीजर को क्या कर दिया गया, ईजी कर दिया गया। एंड वाइंडिंग अप विल ऑल्सो बी अलाउड ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस, देखा, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप तुरंत का तुरंत वाइंड अप कर सकते हो, उसके लिए भी आपको कोई ज़्यादा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं। तो पहला ये था। नेक्स्ट था फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव, देखा गवर्नमेंट क्या कर रही थी, विल पार्टिसिपेट इन फंडिंग प्रोसेस, देखा गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही थी इनडायरेक्टली, ओके, जैसे कि आपको टैक्स में एग्जम्पशन देना, ओके, विल बी अलाउड इन अ कैपिटल गेन इनकम टैक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट था इंडस्ट्री एकेडमिया एंड पार्टनरशिप इंक्यूबेशन, ऑलरेडी क्या बोला था, अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज, दिख रहा है, प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस द स्टार्टअप फेस्ट, दिखा फेस टू प्रोवाइड द प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग देना, टू सेटअप इंक्यूबेटर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सेट करके देना, ओके, एंड टू लॉन्च द इनोवेशन फोकस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट एंड सो ऑन एक्स्ट्रा। तो गाइज ये सारी चीज़ें तो करके दे रही थी, बट हम लोग को टर्म्स एंड कंसेप्ट में ये सारी चीज़ें लिखना नहीं, सिर्फ 2 नंबर के लिए लिखना, तो मैंने खाली 3 एरिया का नाम बता दिया कि क्या क्या है। तो गाइज समझ में आ गया क्या था ये, ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडअप। अब स्टैंडअप क्या था, देखिए स्टैंडअप इंडिया वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखा ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था टू सपोर्ट द एंटरप्रेनर्स। किसको सपोर्ट करना था, एंटरप्रेनरशिप को, कौन थे वो, अमंग वुमेन हो सकती हैं, एससी कास्ट के, एसटी कास्ट कम्युनिटीज़ के लोगों को, समझ में, उस लिए ये स्टैंडअप बनाया गया था। द स्कीम ऑफर बैंक लोन, ये जो स्कीम थी ये बैंक लोन ऑफर करती थी, मतलब क्या, बैंक लोन दिया जाता था टू बिटवीन ₹10 लाख से लेके 1 करोड़ तक, किनको दिया जाता था, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को एंड वुमेन को, जिनको लगता है कि मुझे क्या करना है, न्यू इंटरप्राइज ओपन करना है आउटसाइड द फार्म सेक्टर के। समझ में आया कि सिर्फ इन तीनों के ऊपर ही काम करते हैं, ओके, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आपको क्या होगा, बैंक लोन पास कर दिया जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये था स्टैंडअप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। सो गाइज इसी के साथ स्टैंडअप भी हमने कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं इंटरप्रेनर, देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है, ओके, इस ई का मतलब ये इंटरप्रेनर का मतलब होता है बच्चा लोग, बिजनेसमैन या ओनर्स, ये वाले का मतलब, और ये वाले का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ओनर बोलते नहीं, उनको बोलते एम्प्लॉई, क्या बोलेंगे उनको, एम्प्लॉई बोलेंगे, एम्प्लॉई। बात समझ में आया? वो क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो देखिए क्या बोला, एन इंटरप्रेनर, इंटरप्रेनर इज़ एन एम्प्लॉई Who has the authority? हाँ, management के पास authority है and support of his company, और वो हमारी company को क्या करते हैं, वही support करते हैं, ओके, company को, अपने employer को support करते हैं, ताकि to implement his own innovative, अपने new, ओके, अपने खुद के ideas से, innovative से and creative ideas से क्या करते हैं बच्चा, business को आगे लेके जाते हैं। कौन? management,
ओके मैनेजर्स बाय गेफर्ड पिनचोट इल। इन्होंने बताया एंटरप्रेन्योर्स आर द ड्रीमर्स, कौन है ये ड्रीमर्स है, हु टेक हैंड्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपने हाथों में क्या लेते हैं जिम्मेदारी लेते हैं फॉर क्रिएटिंग इनोवेशन, कुछ नया करने का इनोवेट करने का ऑफ एनी काइंड विद इन अ बिजनेस, जो अपने बिजनेस के अंदर ही लोग करके दिखाएंगे। समझ में, मैनेजमेंट का काम वही है ना बच्चा लोग, अपनी कला को यूज़ करके क्या करना अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना। सो गाइज ये था एंटरप्रेन्योर। सो गाइज इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 3 के भी पूरे के पूरे टर्म्स एंड कंसेप्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में देखिए ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है। देखिए सबसे पहला ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखिए बच्चा अगर आप अपने मन से भी लिखेंगे तो भी चलेगा ट्रांसपोर्ट को, बट एक बार देख लीजिए ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये मूवमेंट करवाना किसका, पीपल का, एनिमल्स का एंड गुड्स का, एक लोकेशन से लेके दूसरे लोकेशन पे, इतना तो हर कोई लिख के आएगा। ओके और इट कैन बी डिफाइंड, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स ऑन पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे पूरा एक नंबर मिल जाएगा। जनरली आपने देखा ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड थ्रू वेरियस मोड, देखा ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मोड्स है, जैसे रेलवे के द्वारा आप ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, रोड्स के द्वारा आप ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो, वाटरवेज के द्वारा आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और एयरवे के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो गाइज ये था ट्रांसपोर्ट। बात करते कम्युनिकेशन, देखिए मैंने कम्युनिकेशन के 4 पॉइंट लिखे, आ सकता है एग्जाम में और आया भी है एक बार। देखा बोल रहा है कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, ये क्या एक कला है जहाँ पे हम क्या करते हैं आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने फैक्ट को इन्फॉर्मेशन को पहुँचाते हैं एक दूसरे से, फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी से किसी और को टू अनदर। क्या ये पॉइंट सब लोग लिख सकते हैं आराम से। बात करता है द प्रोसेस ऑफ पासिंग एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम, किसी मीडियम के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच रही है, उसी जो प्रोसेस किया जा रहा है उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। समझ में, जिस प्रोसेस के द्वारा जिस मीडियम के द्वारा हम इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुँचा रहे हैं उसे ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस है, जहाँ पे क्या बोला मैसेज इज बींग ट्रांसफर्ड, मैसेज हम ट्रांसफर्ड करते हैं फ्रॉम अ सेंडर, सेंडर से किसको रिसीवर को दिया जाता है, सेंडर जो मैसेज सेंड करता है किसको रिसीवर, जिसको मैसेज वो मिलता है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है आज के लाइफ में, टुडे इज लाइफ। क्या 4 पॉइंट छोटे छोटे आप लिख सकते हो बच्चा, देखिए अपने मन से भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट बैंकिंग, 2 बार एग्जाम में आ चुका है, दिख रहा है यहाँ पे, मतलब कि चैप्टर नंबर 4 से आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, दिख रहा है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, टोटल 5 बार पेपर हुए जिसमें से 4 बार आपको यही चैप्टर से पूछा और एक सेंट्रल बैंक भी आपको पूछा था, मतलब कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 4 से एक टर्म्स एंड कंसेप्ट कंपलसरी है, राइट। तो देख लेना ये चैप्टर बहुत अच्छे से। द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, ये कहाँ से आया था बच्चा, फ्रेंच वर्ड, क्या बोला जाता था फ्रेंच वर्ड में, बैंको, विच मीन्स बेंच, राइट। अ बैंक इज़ अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक क्या है, एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो किस में डील करता है, मनी में डिपॉजिट करता है, यहाँ पे हम लोग एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विस, ये 4 चीज़ें करता है बैंक। बात समझ में आ गया, बैंक प्रोवाइड करता है बहुत सारी सर्विसेज रिलेटेड, किससे रिलेटेड रहेगी, मनी से और फाइनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स। देखिए 4th पॉइंट क्या बोला, इन इंडिया बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय इंडियन बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949। इंडिया में जितने भी बैंक है बच्चा वो क्या है, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रेगुलेटेड है। बात समझ में आ गया। बात करते इंश्योरेंस, ऑलरेडी आपने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा हुआ है, मार्च 2022 में आया हुआ है ये भी। इंश्योरेंस इज अ मींस प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिनेंशियल लॉस, इंश्योरेंस क्या करता है, फिनेंशियल लॉस से हमें प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया क्या, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में होता है, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, मतलब उस इंसान के बीच में और कंपनी के बीच में, वेयर बाय द इंश्योरर मतलब जो कंपनी है वो एग्री करती है कि हम आपको कंपनसेट देंगे, ओके किसको देंगे, इंश्योर्ड को, अगर कुछ लॉस होता है उसके अगेंस्ट में। समझ में आया क्या, 2 पॉइंट खत्म। आगे बोला द इंश्योर्ड मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन मतलब जो बंदा अपना इंश्योरेंस करवा रहा है उसे पे करना पड़ेगा कुछ सर्टन फिक्स सम ऑफ मनी ऑन टाइम बेसिस, जिसको ओके किसको देना पड़ेगा, इंश्योरर को, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, किसको देगा ये, कंपनी को देगा, ओके टाइमली एक सर्टन फिक्स सम ऑफ मनी वो टाइमली बेसिस पे करता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, बोलते क्या बोलते हैं प्रीमियम। इट प्रोवाइड इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट द वेरियस लॉसेस, ओके इंश्योरेंस क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट द वेरियस लॉसेस। सो गाइस इसी के साथ इंश्योरेंस भी खत्म हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं वेयर हाउस, देखिए आने का चांसेस है इस बार वेयर हाउस भी, देखिए सारा का सारा यहाँ पे 1, 2, 3 ये आ गए हैं, तो ट्रांसपोर्ट और ये आने के चांसेस है, ऐसा नहीं कि ये ऊपर के ये नहीं आएंगे, ये भी हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला, देखिए वेयर हाउस
इज अ प्लेस, वेयर हाउस क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे गुड्स को रखा जाता है ऑन लार्ज स्केल पे, एक सिस्टमेटिक मैनर में रखा जाता है, ऐसे नहीं कि किधर भी फेंक देते, सिस्टमेटिक मैनर में रखा जाता है, पहला पॉइंट हो गया। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग गुड्स इन वेयर हाउस, जो गुड्स को आपने स्टोर करके रखा है वेयर हाउस में एक सिस्टमेटिक मैनर में, जो प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। समझ में आया क्या? ओके, वेयर हाउसिंग क्या है, जहाँ पे देखा, वेयर हाउस एक प्रक्रिया है जहाँ पे हम लोग स्टोर करके रखते हैं गुड्स को, ओके, एक सिस्टमेटिक मैनर में, उसी को बोलते हैं वेयर हाउसिंग। डेफिनेशन में क्या बोला, देखिए, अ वेयर हाउस इज डिफाइंड एज एस्टेब्लिशमेंट फॉर द स्टोरेज और एक्यूमुलेशन ऑफ द गुड्स, देखा, ओके। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए, वेयर हाउसिंग क्रिएट्स अ टाइम यूटिलिटी, वेयर हाउस क्या क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी। समझ में आया क्या? ओके, आपको पता होगा टाइम यूटिलिटी, ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। ओके, तो चार पॉइंट हमने ये भी कंप्लीट कर लिया वेयर हाउस वाला चैप्टर नंबर 4 के। बात करते चैप्टर नंबर 5 के। देखिए चैप्टर नंबर 5 में मुझे दो ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, ओके, एक ये और एक ये। देखिए बच्चा, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको ग्रीन से किया हुआ है, दिख रहा है, ये ग्रीन है, ग्रीन है, मतलब कि ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ऊपर भी जहाँ पे मैंने ग्रीन किया हुआ आपको अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये याद रखना, दिख रहा है यहाँ पे, ओके। मतलब ये सब तो ऑलरेडी आपके डिस्टिंग्विश में से हो जाएंगे। देखिए चैप्टर नंबर 5 के मैं दो ही पढ़ाऊंगा, ओके, ई बिजनेस और एक मैं आपको आउटसोर्सिंग पढ़ाऊंगा, ओके, बाकी का मैं नहीं कराने वाला हूँ, बाकी का ऑलरेडी आपको पता होगा, आपने जहाँ भी क्लासेस लगाए रहेगा बच्चा वहाँ से कर ले रहेंगे, टाइम अपने पास उतना है नहीं, ओके, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही कराने वाला हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, द टर्म ई बिजनेस इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, देखा ई बिजनेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इज डराइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स, ये कहाँ से आया था, ईमेल एंड ई कॉमर्स से आया था, राइट, इट इज़ नथिंग बट कंडक्टिंग अ बिजनेस वाया इंटरनेट, ओके, मतलब बोल सकते हैं ई बिजनेस जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इंटरनेट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इट इंक्लूड, ई बिजनेस में क्या इंक्लूड है, यहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट, यहाँ पे हम गुड्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, इसीलिए इसे बोला गया ई बिजनेस। ई बिजनेस ट्रांजेक्शन, देखिए ई बिजनेस के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, जैसे फोन पे हो गया, ओके, इंटरनेट के द्वारा किया जाएगा, गूगल पे इंटरनेट के द्वारा, स्विगी इंटरनेट के द्वारा, ओला इंटरनेट के द्वारा होने वाले बिजनेस है, ओके, ट्रांजेक्शन है, ये सारे के सारे इंटरनेट के साथ होने वाले ट्रांजेक्शन है, ओके। तो गाइस ये आपके चार पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट मैंने बना के दिया, चार पॉइंट लिखो आराम से दो नंबर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं आउटसोर्सिंग, देखिए दो बार एग्जाम में आए, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, अपना कोई काम किसी और से करवा के लेना, अभी क्या होता है, और कौन सा काम करवाना है, जो नॉन कोर एरिया, मतलब नॉन कोर एरिया मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी क्लास, मेरा जो क्लास है, ओके, जो मेरा कोचिंग क्लास है, मेरा जो कोचिंग क्लास है बच्चे, ओके, ये मेरा क्या है, एक कोचिंग क्लास है, ओके, मेरा कोचिंग क्लास में काम के बच्चों को पढ़ाना, बात समझ में आ गया। अब मेरे कोचिंग क्लास के अंदर देखिए झाड़ू भी लगाना बहुत ज़रूरी है, ओके, और जो क्लासेस में पोछा पीछा मारना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे बताइए, जो झाड़ू पोछा लगाना, ये मेरा कोर एरिया है या मेरा कोर एरिया मतलब मेरा महत्वपूर्ण एकदम इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है? सर आप टीचर हो तो आपका एकदम इंपॉर्टेंट एरिया, आपको टीच करना आपका इंपॉर्टेंट एरिया, तो ये झाड़ू पोछा क्या है, मैं खुद लगाऊंगा ना बच्चा, तो मुझे बहुत टाइम जाएगा इसको लगाने में, समझ में आएगा, और मैं अच्छी तरह से झाड़ू पोछा नहीं लगा पाऊंगा, समझ में, तो मैं क्या करूंगा, ये झाड़ू पोछा के लिए मैं किसी और एजेंसी के साथ बात करूंगा, भैया ये जो झाड़ू पोछा है ना ये आप कर लो ना प्लीज़, क्योंकि उन लोग ना ये काम को बहुत आसानी से करेंगे और फास्ट करेंगे और नीट एंड क्लीन रहेगा इनका काम, ओके। अब वो जो टाइम वो इधर लगा रहे, अगर मैं ये टाइम इधर ना लगा के अब मैं क्या करूंगा, उस टाइम पे मैं दूसरे जगह पे कहीं भी अपना टाइम डिवोट कर सकता हूं। अगर मैं अगर उनको ये काम नहीं दूंगा तो मेरे को फिर से झाड़ू पोछा मेरे को खुद लगाना पड़ेगा, और मैं धीरे धीरे काम करूंगा तो मेरा टाइम यहां पे स्पेंड होगा, ओके, जो कि मेरा नॉन कोर एरिया है, तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, ये किसी और को दे दूंगा काम, और ये जो टाइम यहां मेरा बचेगा वो मैं कहीं और यूज़ कर सकता हूं। समझ में आ गया? तो आउटसोर्सिंग मतलब क्या, हम कुछ अपने नॉन कोर एरिया को क्या करते हैं, किसी आउटसाइड एजेंसी को देते हैं काम करने के लिए, समझ में आया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो देखिए क्या लिखा है, आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस, आउटसोर्सिंग का एक प्रक्रिया है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन, हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस के कार्य को क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी को दे रहे हैं, मोस्टली कौन सा एरिया देते हैं, नॉन कोर एरिया, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कि झाड़ू पोछा मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मगर वो है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं उसके ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, समझ में, मेरा ज़्यादा ध्यान जाएगा पढ़ाने के ऊपर, समझ में, तो हम उसे आउटसोर्स करते हैं, कंपनी उसको क्या करती है, उन चीज़ों को आउटसोर्स करती है। द कंपनी मेक्स द फॉर्मल एग्रीमेंट, कंपनी एक एग्रीमेंट बनाएगी किसके, कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, विद द एजेंसी, एजेंसी मतलब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा,
एग्जाम्पल देखा रहेगा द मॉल्स, मॉल्स के अंदर आपने देखा रहेगा वहाँ पे जितने भी वॉचमैन होते हैं, वहाँ पे स्वीपर होते हैं, वो सारे के सारे कौन होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं, वो लोग आउटसोर्स किए रहते हैं। ऑफिस में देखा रहेगा आउटसोर्स फैसिलिटी लाइक कैंटीन में आपने देखा रहेगा, सैनिटेशन में देखा रहेगा, सिक्योरिटी में एक्सेट्रा। ओके, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है आउटसोर्सिंग की। देयर इज अ कॉस्ट एडवांटेज इन आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग करने से क्या होता है, हमारा कॉस्ट एडवांटेज मतलब कॉस्ट की बचत हो जाती है। समझ में आया गया क्या? ओके, सो गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6 को भी IMP डाल के रखना बच्चा लोग। ओके, चलिए अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दो बार एग्जाम में आ चुका है। अब सोशल का मतलब होता है सामाजिक जिम्मेदारी। अब बात करेंगे कि जो बिजनेस वाले लोग होते हैं ना, बिजनेस वाले लोग जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपके यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं आपके सोसाइटी में, वो जो बिजनेस वाले हैं ना उनकी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है। ओके, क्या उनको समाज के बारे में सोचना चाहिए, समाज के भलाई के बारे में सोचना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप उन धंधा कर रहे तो सिर्फ अपना ही पेट भरे, समाज को देखे ना हम लोग, ऐसा नहीं, हमको अपने समाज के बारे में भी सोचना है। ओके, तो यहाँ पे वही है सबसे पहला। देखिए क्या बोला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। देखा बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें, इम्प्लाइज उनका ऑब्लिगेशन है ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, मतलब क्या बिजनेस का कर्तव्य क्या है, बिजनेस इंटरप्राइजेस का कर्तव्य क्या है बच्चा लोग, आपको प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, अपने सोसाइटी के इंटरेस्ट को आपको बचाना है। समझ में आया क्या, हर बिजनेस का कर्तव्य, बिजनेस इंटरप्राइजेस मतलब क्या बिजनेस, समझ में आ गया क्या, जो आपके सोसाइटी में जितने लोग भी आपके सोसाइटी में धंधा कर रहे हैं। ओके, फ्रूट्स वाले हो गए, होटल्स वाले हो गए, समझ में आ गया। ओके, किराना स्टोर्स वाले हो गए, ये सब बिजनेस इंटरप्राइजेस, इनका मेन एम क्या होना चाहिए, आप लोगों को क्या करना है, आपकी सोसाइटी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपके सोसाइटी में मतलब जो चीज़ें 10 रुपये में मिल रही है ये 50 रुपये में आप लोगों को बेच रही है, ये गलत है। समझ में, तो ये इनकी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है बिजनेस वाले की। समझ में, ये आपको चीट कर रहे हैं। समझ में, तो यही बोला गया, ऑल द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, जितने भी एक्टिविटी बिजनेस करेंगे मतलब ये धंधे वाले लोग, शुड बी परफॉर्म इन अ सच मैनर दैट विल बी नॉट हार्म ओके एनी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ये जो भी धंधा अपने सोसाइटी में करेंगे उससे कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए सोसाइटी को, रादर देन बिल प्रोटेक्ट, इनको क्या करना चाहिए, हार्म नहीं करना चाहिए, उसके बजाय क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो गाइज ये दो पॉइंट आपको समझ में आया क्या? ओके, याद रहेगा क्या सबको, बोलो हाँ। चलिए अभी देखिए कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप बच्चा लोग, मार्च 2023 में आया था। देखिए ट्रस्टीशिप क्या होता है मैं बता देता हूँ। ट्रस्टीशिप इज द सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी दैट वॉज प्रोफाउंडेड बाय महात्मा गांधी। देखा ट्रस्टीशिप जो था इसका सिद्धांत किसने लाया था, महात्मा गांधी जी ने बनाया था, राइट, ट्रस्टीशिप। अब ट्रस्टीशिप क्या होता है ध्यान से सुनना बच्चा लोग, मतलब क्या, ये जो बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, ओके, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन जो पैसा ये कमाते हैं, ओके, इनकी जितनी आवश्यकता है, जितना ये काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा ये कमा रहे हैं। समझ में आया? ओके, जो एक्स्ट्रा पैसा, जो अतिरिक्त पैसा ये कमा रहे, जो एक्स्ट्रा पैसा ये कमा रहे, उन पैसों को इनको क्या करना चाहिए, जन कल्याण के लिए यूज़ करना चाहिए। मतलब क्या, हॉस्पिटल बना दो, आपने देखा रहेगा बच्चा लोग रतन टाटा जी को देखा रहेगा, फिर ये मुकेश अंबानी, ये सब जो है ये बिजनेसमैन लोग हैं, इन्होंने क्या किया, अपनी जो आवश्यकता से ज़्यादा पूंजी कमा रहे, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा ये पैसे कमा रहे, तो जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे उन पैसों को इनको क्या करना है, जन कल्याण के लिए करना, उसी को बोलते हैं ट्रस्टीशिप। तो इसलिए बोला गया बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड टू बी ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। देखा ये क्या है, ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटीज है। ओके, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट क्या बोलता है, अ बिजनेसमैन मस्ट हेल्ड इन ट्रस्ट लीगली एंड मोरली फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। देखा आप जो भी पैसा आप कमा रहे हो, अगर आप एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो उस पैसे को क्या करना है, आपको यूज करना है बेनिफिट ऑफ पीपल, मतलब समाज के लिए। तो गाइस ये भी अपना कंप्लीट हो गया। बात करते बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स क्या है। देखिए द वर्ड एथिक्स इज डराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस विच मीन्स कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या, आपका चरित्र कैसा है। समझ में आ गया क्या? ओके, डेफिनेशन देखिए क्या बोल रहा है, एंड्रू क्रेन ने दिया था, बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन। बिजनेस एथिक्स क्या है, स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन एक्टिविटी एंड डिसीजन वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड। देखा बोल रहा है ऐसे बिजनेस सिचुएशन या ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। बात समझ में आ गया? ओके, तो बिजनेस एथिक्स हमें यही बताता है। ओके, आगे क्या बोला, एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। एथिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है। ओके, एथिक्स डील विद द कंसेप्ट ऑफ सच एज क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच में हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। ओके, हमें देखिए हमारे एथिक्स क्या है, हमें हमेशा सही बोलना चाहिए, बट हम क्या करते हैं, गलत बोलते हैं, तो हमारा एथिक्स बोलता है हमें गलत बोलना नहीं, तो वही हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वही होता है हमारे एथिक्स। जैसे कि देखिए गुड और बैड, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है,
फेयर एंड अनफेयर, राइट। हमको पता है क्या उचित है क्या अनुचित है, उसमें हमको डिसीजन लेना है क्या हम सही रास्ते पे जाएं या गलत रास्ते पे जाएं, समझ में। क्या जस्ट है क्या अनजस्ट है, मतलब क्या न्याय है क्या अन्याय, लीगल क्या है इलीगल क्या है, प्रॉपर इम्प्रॉपर इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन, ये ह्यूमन एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा बिहेव करते हैं, ये होता है बिजनेस एथिक्स। तो टोटल चार पॉइंट आपको लिखना है बिजनेस एथिक्स में। बात करते हैं मोरल वैल्यूज़, देखिए ये जुलाई 2023 में आया था मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ डिफाइंड एज अ गाइडलाइन, क्या है ये गाइडलाइन है, मतलब एक ओके रूल्स है एंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है जो क्या करता है असिस्ट करता है, मतलब हेल्प करता है पर्सन को और बिजनेसमैन को ताकि वो डिसाइड कर सके बिटवीन द सही और गलत के बीच में। मतलब मोरल वैल्यूज़ क्या है, ये एक रूल एक गाइडलाइंस है ओके, ऐसा इसको एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है जो कि हेल्प करता है किसको पर्सन को और बिजनेसमैन को ओके, वो डिसाइड कर सके सही और गलत के बीच में, समझ में आ गया क्या। बिजनेस एथिक्स डील विद द मोरालिटी इन अ बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एथिक्स में डील करता है मोरालिटी इन बिजनेस एनवायरमेंट। देखिए अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मोरल वैल्यूज गिव अ बिजनेसमैन द राइट डायरेक्शन, दिखा मोरल वैल्यूज क्या देता है बिजनेसमैन को सही रास्ता दिखाता है जिससे क्या होता है विच हेल्प देम टू गेट कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, समझ में आया। सो गाइज ये चार पॉइंट आपको याद करने हैं ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। तो गाइज देखिए इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिजनेस एथिक्स मोरल वैल्यूज़ क्या होती है, वैल्यूज़ क्या होती है ये बहुत डीपली है, अगर आप अभी ऊपर ऊपर आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तीनों को हम देखा जाए तो हम लोग तीनों को समझते एक है बट तीनों एक नहीं है, वैल्यूज़ अलग हैं मोरल अलग होती हैं और बिजनेस एथिक्स अलग होते हैं, समझ में आया ओके, याद रहेगा बच्चा लोग ओके। तो चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर सेवन, चैप्टर नंबर सेवन में देखिए मैंने बोला रिफर डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब क्या अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन आएगा जितना भी आपने डिस्टिंग्विश याद किया उसमें का ठोक देना यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब बात करते हैं लोक अदालत एंड जनहित याचिका क्या होती है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे ओके। चलिए अब हम बात करेंगे लोक अदालत क्या है, देखिए लोक अदालत इज इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम है, ये क्या है एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत इफेक्टिव बहुत फटाक से जल्दी और इकोनॉमिकल सिस्टम है ओके, जो क्विक रेड रिजल्ट करता है, मतलब सेटलमेंट फटाफट करके दे देता है पब्लिक के ग्रीवेंसेस का कंप्लेन का, समझ में आ गया क्या ओके। जैसे कि अगर सपोज आपको कोई चीट किया है, कोई दुकानदार ने आपको चीट किया, तो आप क्या करते हो दुकानदार के नाम पे कंप्लेन करोगे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होगी, बहुत टाइम चला जाता है ये वो, तो बहुत डिले होता डिसीजन, तो लोक अदालत बना दिया गया, क्या बना दिया गया लोक अदालत, आप क्या करने का कंप्लेन करना है लोक अदालत में जाके आप कंप्लेन कीजिए फटाफट आपका दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटलमेंट करके दोनों का केस जो होगा सुलझा दिया जाएगा तुरंत का तुरंत, समझ में आया क्या। तो ये होता है लोक अदालत। तो देखिए इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज पीपल्स कोर्ट, बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है लोक अदालत का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग, पीपल्स कोर्ट। इट इज एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट, इसको किसने एस्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट, किस लिए एस्टैब्लिश किया था टू सेटल द डिस्प्यूट बाय द कॉम्प्रोमाइज, ताकि हम लोग क्या कर सके जो भी झगड़े हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करके क्या कर सके सेटल कर सके तुरंत का तुरंत, ये बात को बढ़ाना नहीं है इधर कोर्ट में लेके जाओ यहाँ लेके जाओ वहाँ लेके जाओ फिर क्या होता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो उतना टेंशन ना लेके लोक अदालत बना दिया गया ताकि क्या होगा जो भी ग्रीवेंसेस होंगे जो भी कंप्लेंट होंगे पब्लिक को वो कहाँ चले जाते लोक अदालत में जाके क्या करते सुलझा दिए जाते तुरंत का तुरंत। इश्यूज आर डिस्कस ऑन द स्पॉट, देखा यहाँ पे जो भी इश्यूज रहेंगे वो ऑन द स्पॉट डिस्कस किया जाएंगे एंड डिसीजन आर टेकन इमीडिएटली, देखा और डिसीजन तुरंत का तुरंत दे दिया जाता है, चार पॉइंट थे आराम से याद हो जाएगा। चलिए देखिए बच्चा लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है जिसको हम बोलते हैं जनहित याचिका, मार्च 2023 में आया था ओके। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, देखिए एक दुकानदार है ओके, एक दुकानदार था एक कस्टमर को उसने चीट किया, ये कस्टमर कुछ नहीं बोल रहा है, ये कस्टमर का फ़र्ज़ बनता है कि भाई मेरे को जो तुमने चीट किया है तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूँगा ये वो, ये कस्टमर कुछ बोल नहीं रहा है और एक इंसान है जो यहां से जा रहा है उसने इस चीज़ों को देखा है कि भाई ये दुकानदार जो है इसको चीट किया है ये बोल रहा है मगर ये कुछ सुन रहा नहीं है, तो अब मेरा बताइए ये जो इंसान जो यहाँ पे खड़ा था ये जो इंसान है उसका इस केस से कुछ लेना देना है नहीं, बट क्या हो सकता पता है क्या ये इंसान कंप्लेन कर सकता है, ये वाला इंसान समझ में आ गया क्या, ये इंसान कोर्ट में जा सकता है क्यों समाज के लिए, मतलब कि ये बंदा जो है दुकानदार सबको चीट कर रहा है तो ये भी केस कर सकता, कौन सा इंसान ये वाला इंसान दूसरा वाला, बात समझ में आ गया, मतलब इस इंसान का इस चीज़ से मतलब ये केस से लेना देना कुछ नहीं था फिर भी ये इंसान कंप्लेन कर सकता है क्यों समाज के लिए, वो समझ में आया क्या ओके, समाज के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो दुकानदार, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग द मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, देखा जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए था ओके, जो दुकानदार है वो बंदे को चीट कर रहा है बट हम लोग भी तो इंसान है हम लोग भी तो जनरल पब्लिक है हम देखेंगे क्या नहीं हम करेंगे क्या कंप्लेन करेंगे भले से मेरा केस उससे लेना देना नहीं है उस केस से, समझ में आ गया। आगे बोला है
इट इज़ अ लीगल फैसिलिटी अंडर विच एनी पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट. देखा कोई भी पर्सन कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है ऑफ लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. देखा सोसाइटी के इंटरेस्ट में. द पार्टी विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द ग्रीवेंस कैन ऑल्सो फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. देखा जिस पार्टी का उस ग्रीवेंस से कुछ लेना देना नहीं था वो भी फाइल कर सकती है. समझ में आ गया क्या? इट इज़ अ फाइल इन हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन द सम केसेस. देखा आप हाई कोर्ट में तो फाइल करोगे साथ साथ में आप सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो कुछ कुछ केसेस में. समझ में आया? तो टोटल चार पॉइंट थे, चारों पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गए होंगे. सो गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो रहा है. लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आया. लोक अदालत क्या होता है मैंने अभी आपको बता दिया. ओके ये इसलिए बनाया गया ताकि क्या होगा जो भी पब्लिक के ग्रीवेंसेस है उसको तुरंत तुरंत मतलब ऑन द स्पॉट क्या किया जाए, सुलझा दिया जाए, सेटल ओके सेटलमेंट कर दिया जाए कॉम्प्रोमाइज करके. समझ में आया? ताकि क्या होगा नहीं तो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो कोर्ट में पेंडिंग ही रह जाते हैं, बहुत दिनों तक चलते रहते, तो उतना प्रॉब्लम ना हो इससे अच्छा लोक अदालत में जाते हैं और फटाक से क्या होते हैं केस को सुलझा दिया जाता है. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या था मैंने बताया, जिस केस से आपका लेना देना नहीं है फिर भी आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो हाई कोर्ट में जाके और सुप्रीम कोर्ट में जाके. ओके अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के भलाई के लिए रहेगा तो. समझ में आ गया क्या? सो गाइस इसीलिए ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो रहा है. बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, तो ध्यान से देखना चैप्टर नंबर 8 के लिए मैंने बोला है लॉन्ग आंसर्स आपको क्या करना है. चैप्टर नंबर 8 के लिए बच्चा लोग मैंने क्या बोला आपको, रेफर लॉन्ग आंसर. ये सारे आंसर आपके लॉन्ग आंसर्स वाले चैप्टर नंबर 8 मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला था. ये सारे के सारे आप जो लॉन्ग आंसर याद करोगे उन्हीं के बीच के पॉइंट है. समझ में आया? तो ये भी कंप्लीट. इसी के साथ हमने फर्स्ट से लेके पूरे के पूरे 8 चैप्टर तक के सारे टर्म्स एंड कंसेप्ट किए. अब मैं बता रहा हूँ जिसको मैंने ग्रीन किया है, जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख के ही जाना है एग्जाम में. कल के दिन देखना यही सारे एग्जाम में आएंगे. समझ में आया क्या? ग्रीन वाले बहुत इंपॉर्टेंट है. और चैप्टर नंबर 8 देख लेना बच्चा लोग, ये वाला लॉन्ग आंसर अगर आपको याद रहेगा तो आप कर सकते हो. ओके सो आई होप आपको टर्म्स एंड कंसेप्ट समझे.